अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे हेलो अरावली पर्वत माला के सबसे ऊंचे हिस्से आबूगढ़ के पास में आज हमारा जालौर जिले में रानीवाड़ा जसवंतपुरा इलाके में जो हमारा आज का कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में पूरे जोधपुर संभाग के और हम लोग उदयपुर संभाग के यानी दो संभाग के भील भाई भील आदिवासी लोग यानी भारत भूमि का इंडिजिनस एबोरिजिनल समुदाय है वो यहाँ पर एकत्र हुआ है और आज अपने समाज की भविष्य को लेकर के चिंतन मनन कर रहा है। उसमें आप सब पधारे। हम लोग इस जालौर में पहली बार बोल रहे हैं इस और आपने हमको बुलाया, इसके लिए आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और हम लोग आज यहाँ पर आप लोगों को जो जानकारी देने वाले हैं या दे रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से समझें और समझने के बाद घर जा करके अपने समाज को समझाना है। दोस्तों आप लोगों ने सुना भी है, जाना भी है, सब किया है, लेकिन जब मैं जहां पर भी जाता हूं जो भी बात रखता हूं लोग उसको अच्छे तरीके से समझते हैं और समझने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन मैं प्रशिक्षण में एक बात और कहता हूं क्योंकि आपके बीच में कम आ पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता है, इसलिए जो प्रशिक्षण में बात बताते हैं वो भी बात आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा। हम यहां से जो भी बोल रहे हैं क्या वह सही बोल रहे हैं इसका भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा। हमने बोला और आपने मान लिया, हमने बोल दिया और आपने मान लिया तो भी गलत होगा क्योंकि हमारा समाज ना कहने का आदी नहीं है। आप लोगों को पता होगा, ये बड़े बुजुर्ग हैं सब लोग को पता होगा, युवाओं को कर्मचारियों को सबको पता होगा। हम दुकान में जाते हैं तो दुकानदार हमारे कपड़े देख करके बोल देता है आओ मार साहब, यानी हम टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है, शिक्षक नहीं है। आप कई दिन बाद आए, ये दोनों बातें झूठी हैं। इसके बावजूद भी हम ना नहीं कह पाते, हमको पता है वो झूठ बोल रहा है, हमको पता है यह आदमी सही बात नहीं कह रहा है, इसके बावजूद भी हम ना नहीं कहते हैं, उसकी हा में हा मिला देते हैं। क्या ये सही कह रहा हूं मैं? ऐसा आप लोग करते हैं? हमारे इलाके में भी लोग करते हैं। आदिवासी समाज ना कहने का आदी नहीं है, वो इज्जत करता है कि मैं ना कह दूं सामने वाले को बुरा लग जाएगा, ये हां में हां मिलाने की वजह से हमारे समाज का कितना नुकसान हुआ ये कभी सोचा? आज से यदि आप लोग भवरलाल परमार को समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उसकी बात को मानते हो तो आज को आपको आज के बाद ना कहना सीखना होगा। जो बात गलत है ये बात सही नहीं है, ये बात झूठ है ये कहने की हिम्मत करनी होगी आपको। यदि भवरलाल परमार भी गलत बात करता है झूठ बात करता है तो मेरे को भी कहने की हिम्मत होना चाहिए। ये बात मैं आपको सबसे पहले कहना चाहता हूं, हमें जानना है
जानवर में भी शारीरिक शक्ति होती है, जानवर में भी मानसिक शक्ति होती है। समझिए, जानवर के अंदर दो शक्तियां होती है, एक शारीरिक शक्ति और एक मानसिक शक्ति। आदिवासियों में एक और शक्ति है, बौद्धिक शक्ति। इंसानों में, जानवरों में शारीरिक शक्ति होता है, मानसिक शक्ति होता है। इंसान में एक और शक्ति होती है, उसको कहते हैं बौद्धिक शक्ति। तो जानवर में दो शक्तियां हैं, इंसान में तीन शक्तियां हैं। यदि हम लोग केवल दो शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बौद्धिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम भी जानवर से ज्यादा नहीं है। हमें हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, हमारे विवेक का इस्तेमाल करना है। क्या सही है, क्या गलत है, उसका निर्णय लेने काबिल बन जाते हो तो मैं मानूंगा भंवरलाल परमार। मेरा समाज ने निर्णय लेने लायक बन गया तो मैं मानूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। आप लोगों को निर्णय लेने लायक बनाना ही मेरा मकसद है। जिस कौम में मैं पैदा हुआ, जिस समाज में मैं पैदा हुआ, वह समाज अपने बलबूते निर्णय ले। आज आप लोगों ने देखा होगा आदिवासियों के मुद्दे पर कभी विधानसभा में हंगामा नहीं होता था, आजकल हो रहा है। क्यों हुआ? आदिवासियों के द्वारा निर्णय लिया गया कि वहां कौन जाए। आदिवासियों के द्वारा निर्णय लिया कि वहां कौन जाए, यह निर्णय लेने की वजह से यह हुआ। यदि यह निर्णय होता कि डूंगरपुर से वहां कौन जाए, यह जयपुर में निर्णय हुआ होता, दिल्ली में निर्णय हुआ होता, तो जो आज विधानसभा में हंगामा हो रहा है वो होता। क्या कहना चाहता हूं समझ गए ना? निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों ने बात किया कि हमारी भी आवाज आप उठाइए, हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर के भी आप बोलिए। हमारा संगठन का जो टाइटल है, संगठन का संगठन भी नहीं है, टाइटल है मात्र बैनर, वह आदिवासी परिवार है। और जो लोग भारत देश के अंदर 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 8% आदिवासी लोग इंडिजिनस है, एबोरिजिन्स है, नेटिव पीपल है, शेड्यूल ट्राइब है और ब्रैकेट में किया आदिवासी है, उन सभी लोगों के लिए बोलना हमारा फर्ज बनता है। हम लोग बोलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों हम मीना भाइयों के बीच में भी गए, वहां भी हमने बात किया, क्योंकि वो 5 जनवरी 2011 के आधार पर वो भी शेड्यूल ट्राइब है, गए। अभी हमारे वहां पर 17 MLA है शेड्यूल एरिया के अंदर। ये 17 MLA को हमारे शेष राजस्थान के सिविल एरिया के राजस्थान के आदिवासियों के लिए बोलना चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप दावे से कहना चाहिए आप भी हमारे समाज के हो, भले आप उस एरिया से गए हो, आपको बोलना पड़ेगा। आप हमारे सामने अनुनय विनय नहीं करेंगे, हम आपके परिवार का हिस्सा है, हम और आपका खून एक है, यह आपका दावेदारी बनता है और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा समाज जो पिछड़ गया, जो पीछे रह गया, उसको आगे लेने की जिम्मेदारी हमारी भी है, तभी तो हम आए हैं। हम लोग बाड़मेर 2 से 3 बार गए और आज बाड़मेर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी पिछले दिनों
साथियों ने बोला कि जोधपुर भी आपको आना पड़ेगा। हम यहाँ आना नहीं चाह रहे थे क्योंकि छुट्टी का अभाव है, लेकिन लोग नहीं माने, बच्चे नहीं माने, बड़े बुजुर्गों ने भी हमसे बात किया, तो हम यहाँ पर आए आपके बीच में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हमें पराया ना समझते और हम भी आपको पराया ना समझते। हम ये चाहते हैं कि इस देश का एक एक आदिवासी अब एक उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़े कि हमें निर्णय करने का पावर हमको चाहिए, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे भविष्य का निर्णय करने का पावर हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारे बारे में निर्णय लेने का पावर किसी गांडू भांडू के हाथ में नहीं होना चाहिए। ये बात हम लोगों को समझनी होगी। अभी एक दो भाई कह रहे थे और आप सब जानते हैं कि भीनमाल हमारा भीलवास था, भीनमाल हमारा भीलवास था, उसको भिल्लमाल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भिल्लमाल। भिल्लमाल से भीनमाल बना है और आदिवासी बोली के अंदर ल नहीं होता, ल होता है, ल। भिल्लमाल नहीं, भिल्लमाल, ल नहीं होता, ल होता है, भिल्लमाल। भिल्ल का अर्थ क्या होता है हम सब जानते हैं, हमारा कम्युनिटी नेम है, हमारा समुदाय नाम है। माल का अर्थ क्या होता है? माल। हमारे इलाके में भीली बोली में माल का अर्थ होता है श्रृंखलाबद्ध, श्रृंखलाबद्ध, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे चैन होती है। माल, ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, ये माल होती है। समझ में आ गया? पहाड़िया 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 ऐसे, इसको कहते हैं माल। भिल्ल माल का अर्थ क्या हुआ? भीलों की बस्ती, 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 ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला होगी, उसको भिल्ल माल कहा गया। और जब आदिवासी कबीलों की इस तरीके से श्रृंखला होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद आदिवासी गांव, आदिवासी गांव, आदिवासी गांव, इस तरीके की श्रृंखला होती है, उसको गणतंत्र कहते हैं, रिपब्लिक, गणराज्य। ये जब गणतंत्र और गणराज्य की परंपरा है वो आदिवासियों की समाज व्यवस्था है। क्या है? आदिवासियों की समाज व्यवस्था। आज आप बांसवाड़ा का उदाहरण देते हो तो बांसवाड़ा में 1500 ईस्वी में राजा था, बांसवाड़ा में। उदयपुर में देखते हो, उदयपुर में भी 1500 ईस्वी में राजा था। हमारे डूंगरपुर का देखते हो तो 1282 में भी राजा था हमारा। आप हाड़ोती में, ये हाड़ोती नाम भी हमारा नहीं है, बूंदी की बात करते हो तो बूंदी में भी 1200 ईस्वी में हमारा राजा था, कोटा में। और उससे थोड़ा सा पहले बूंदी में भी हमारा राजा था 1200-1500। ये मैंने 1200 ईस्वी का और 1500 ईस्वी का रेफरेंस उस इलाके का दे दिया। क्या हमारा इस इलाके में राजा कब था ये जानना पड़ेगा, नहीं जानना पड़ेगा? जानना पड़ेगा ना। तो आप सबको पता है कि सोलंकी लोगों का राज था। सोलंकी से पहले किसका राज था इस इलाके में? परमारों का राज था। परमार कहां के थे?
मालवा के, मालवा और आबू है ना, मालवा और आबू वहां पर परमार वंश का उदय हुआ, ये इतिहास कहता है। परमारों से पहले किसका राज था? चावड़ाओं का। किसका? अब चावड़ा से पहले किसका राज था? नागवंश का। किसका? और नागवंश से पहले किसका था? हमारा था, हीलो का। आए समझ में? इसका मतलब नागवंश आया और हीलो का राज खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। चावड़ा वंश आया और हीलो का राज खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। परमार वंश आया और हीलो का राज खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सोलंकी वंश आया और हीलो का राज खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो इलाका जहां पर हम पहले से बसे हुए थे, उस इलाके से हमारा स्थलांतरण हुआ। एक स्थान छोड़ करके हम दूसरे स्थान पर चले गए। राज तो रहा, राज तो देश आजाद होने तक भीलो का राज रहा। भील कभी भी दूसरे के द्वारा शासित नहीं रहे। तभी तो हमको पांचवी अनुसूची का अधिकार मिला है ना, तभी तो हमारी विवाह पद्धति स्वतंत्र है, तभी तो हमारी पूजा पद्धति स्वतंत्र है, तभी तो हमारी संस्कृति बची हुई है, तभी तो हमारा समाज का समाज व्यवस्था बचा हुआ है। यानी भीलो का राज कभी खत्म नहीं हुआ। भील स्थलांतरित हुए, जिस स्थान पर भील स्थलांतरित हुए वहां दूसरे का राज जम गया। तो आपको ध्यान रखना होगा, जब जब उत्तर भारत में सम्राट हर्षवर्धन का राज था, उस समय एक भी राजपूत नहीं था, सिंगल एक भी नहीं था, क्योंकि राजपूत होता कौन है, ये ही नहीं था। उस समय भारत बौद्धमय भारत था, ये भिन्न मत। आप भेंसा जो 641 में यहां पर आया, उसका विवरण पढ़ लीजिए। उसका विवरण पढ़ करके आपको लगेगा कि उस समय ये जो मारवाड़ का बेल्ट है, ये गुजरात का बेल्ट है, वो बौद्धमय था, बुद्धिस्ट था। ये ध्यान रखना होगा। उस समय के अंदर राजपूत जैसा कोई पद नहीं था, कोई पद नहीं था। उस समय यहां पर पहली बार व्याघ्रमुख नाम के चावड़ा वंश के व्यक्ति का राज था भीनमाल में। ये साथ साथ में ब्रह्मस्पुट, जो ब्रह्मगुप्त ने किताब लिखी उसी पीरियड में, उसने भी लिखा है और उसका सिक्का भी मिला। और वो जो व्याघ्रमुख का पहला सिक्का मिला है, वो हूण वंश के सिक्के के समान है। हूण वंश, और आप सबको पता है गुप्त काल समाप्त होने के बाद में भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि चावड़ा चपराणा से बना है। चपराणा, चप का अर्थ होता धनुर्धारी, राणा का मतलब होता राजा। इसलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि हूणों का जो धनुर्धारी दस्ता था उसको चपराणा कहते हैं। ये बात समझना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि भिन्नमाल में, यानी भिल्लमाल में, भिल्लमाल में सातवीं शताब्दी में हमारा गणराज्य था। सातवीं शताब्दी में ये हम लोगों को जानकारी रखनी होगी। उस जमाने में एक तो भिन्नमाल और एक भिलड़ी पाटन और एक वल्लभी और एक भृगुकच्छ। भृगुकच्छ वो लोग बोलते हैं, हम लोग भड़ोच कहते हैं, भरूच भी कहते हैं,
इसके अलावा किसी नगर का कोई उल्लेख नहीं, एक गिरनार का था। समझिए मैं जो कहना हूं, यहाँ पर भिल्लमा, इसके बाद बिलड़ी पाटन, और इसके बाद गिरनार, इसके बाद वल्लभी, वल्लभी का मतलब भावनगर, और इसके बाद आपका भरूच, भड़ोच, और इसमें दो जगह बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो आपका भिल्लमार और एक बिलड़ी पाटन, ये दोनों हमारे भीलों के गणराज्य थे। ये बात आप लोगों को समझ गई। अब जहां तक भीलों की बात करते हैं तो हमें एक बात और समझनी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता, अभी यहां एक दो महिलाओं को मैंने देखा था हाथ में कड़े पहने थे, चांदी के कड़े पहने, पहनते आपके चांदी के कड़े, और एक बाबा यहां देखे थे मैंने, इनके पेड़ में भी चांदी का कड़ा पहना हुआ पहनते हैं। ये कौन सी सभ्यता की निशानी है? सिंधु घाटी सभ्यता की निशानी ये आज तक बची हुई है, इसके बारे में हमने कभी नहीं बोला। हमारे इलाके में भी है ये, हम लोग अभी रास्ते में आ रहे थे तो कई सारी झाड़ियों पर, पेड़ों पर कपड़े टांग रखे थे, ये फेंक रखे थे अलाब अलाब, क्या कहते हैं इसको, हमारे देख ली गई, जो भी टाड़ो, जो भी हो टाड़ा, जो भी, ये चीजें हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करती है। अब यह सही है गलत है उसके बारे में कल सोचेंगे, लेकिन पूरे आदिवासी बेल्ट में क्यों मिलती है ये समझना होगा। तो वो कड़े नहीं बात कर रहा था मैं, सिंधु घाटी सभ्यता का वो अवशेष है जो हमारे समाज में आज भी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है? सिंधु नदी के बेसिन में, और सिंधु नदी के बेसिन और लूणी नदी बेसिन, हम लोग अभी कहाँ बोल रहे हैं? लूणी नदी के बेसिन में बोल रहे हैं, बरोबर ना? लूणी नदी के बेसिन में हम बोल रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी बेसिन की, और इसके बीच में क्या है? डेजर्ट, रेगिस्तान, बराबर है? तो जहां पानी होगा वही तो रहते होंगे एक जमाने में, जहां पानी नहीं होगा वहां रहते होंगे अपने लोग, इस बात को समझिए अच्छे तरीके समझना। जहां पानी नहीं होगा वहां लोग नहीं रहते होंगे, जहां ज्यादा पानी होगा वहीं रहते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का आज तक लिपि पढ़ी नहीं गई है। मोती रावण कंगाली साहब जो गोंड विद्वान थे उन्होंने पढ़ने का कोशिश किया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और अपन को पता है ऋग्वेद, जिसने भी पढ़ा उसको पता है ऋग्वेद में इंद्र और ये जो देवी देवता हैं वो